पांच चार तीन दो एक। ठीक ठाक अंतर से आगे हैं, नई दिल्ली से चुनाव लड़ती हैं मीनाक्षी लेखी, ठीक ठाक अंतर से आगे नजर आ रही हैं, उनके लिए ऑरेंज लाइट है, यानी आज की तारीख में लोकसभा का चुनाव हो जाए, मीनाक्षी लेखी अगर नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ जाएं, तो ठीक ठाक अंतर से वो आगे होंगी। और अब अनुराग ठाकुर की बात कर लेते हैं, युवा चेहरों की बात कर लेते हैं, अनुराग ठाकुर चुनाव अगर लड़ गए आज की तारीख में तो क्या होगा, देखिए। पांच चार तीन दो एक। बड़े अंतर से आगे अनुराग ठाकुर हमीरपुर से चुनाव लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंत्री अनुराग ठाकुर बड़े अंतर से आगे नजर आ रहे हैं, यानी उनके लिए एक अच्छी खबर, बीजेपी के लिए अच्छी खबर, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर फिर से चुनाव लड़ते हैं तो बड़े मार्जिन के साथ वो जीतेंगे। तो अब नकुल नाथ की बात कर लेते हैं, नकुल नाथ आज की तारीख में अगर चुनाव लड़ गए अपनी लोकसभा सीट से तो क्या होगा, देखिए। पांच चार तीन दो एक। तो ठीक ठाक अंतर से नकुल नाथ भी आगे हैं, छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ते हैं, छिंदवाड़ा जो कि कमलनाथ का पूरा इलाका माना जाता है, उनके गढ़ के तौर पर भी देखा जाता है, कमलनाथ के बेटे हैं नकुल नाथ, छिंदवाड़ा से अगर आज की तारीख में वो चुनाव लड़ गए ठीक ठाक अंतर से वो आगे दिख रहे हैं, यानी उनके लिए भी ऑरेंज लाइट है। और अब चलते हैं राजस्थान, ये तो नकुल नाथ की बात हमने की, अब अर्जुन राम मेघवाल की बात कर लेते हैं कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे आज की तारीख में तो क्या होगा। पांच चार तीन दो एक। तो ठीक ठाक अंतर से आगे अर्जुन मेघवाल भी, बीकानेर से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, और अभी जो अभी कुर्सी की कबड्डी चल रही थी राजस्थान में, उसमें सीएम की रेस में भी बताए जा रहे थे, बीकानेर से अगर चुनाव लड़ेंगे एक बार फिर से अर्जुन राम मेघवाल तो वो जीत जाएंगे आराम से, ठीक ठाक अंतर से आगे हैं। और आप बात कर लेते हैं सीपी जोशी की, चित्तौड़गढ़ से वो चुनाव लड़ते हैं, इस बार क्या होगा, देखिए। पांच चार तीन दो एक। ठीक ठाक अंतर से आगे ऑरेंज लाइट सीपी जोशी के लिए भी, यानी कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ सीपी जोशी भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं, यानी इसका मतलब एक ये निकालिए कि राजस्थान के जो आंकड़े हैं वो इस बात की गवाही देते हैं, तस्दीक करते हैं कि यहां पर बीजेपी अभी भी उसी स्थिति में है विधानसभा चुनाव के दौरान जो उसकी स्थिति नजर आ रही थी। अब दुष्यंत सिंह की बात कर लेते हैं जो झालावाड़ से चुनाव लड़ते हैं, वसुंधरा राजे के बेटे, क्या होगा उनका, देखिए। पांच चार तीन दो एक। ठीक ठाक अंतर से आगे, इनके लिए भी ऑरेंज लाइट है, यानी आराम से चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं दुष्यंत सिंह भी, झालावाड़ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर एक बार फिर से अगर चुनाव लड़ते हैं झालावाड़ से दुष्यंत सिंह, और आज की तारीख में मतदान हो जाए वो फिर से जीत जाएंगे। और अब गजेंद्र सिंह शेखावत की बात कर लेते हैं, जोधपुर से जो चुनाव लड़ते हैं, आज की तारीख में उनका क्या होगा अगर मतदान हो गया तो। पांच चार तीन दो एक। तो ठीक ठाक अंतर से गजेंद्र सिंह शेखावत भी नजर आ रहे हैं जोधपुर से, जोधपुर जो कि अशोक गहलोत का इलाका, वहां उनका घर, लेकिन राजस्थान का जो मूड है उससे यह लग रहा है कि जो दिखा था ओपिनियन पोल में, जो वहां नतीजे आए, जिस तरह से सरकार बनी बीजेपी की, वही स्थिति अभी लोकसभा चुनाव को लेकर भी नजर आ रही है, यह तस्वीर तो हर्षवर्धन जी लगभग साफ दिख रही है। नहीं देखिए, बड़ा स्पष्ट सा है कि जो ज्यादातर मजबूत प्रत्याशी हैं वो लगभग जीतते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मैं पहले एक टिप्पणी कर लूं, अलका लांबा जी बड़ी तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि मुझे भाजपा प्रवक्ता कह के बुलाया, अगर मुझको कहने से कुछ भला हो जाए आपकी पार्टी का तो 10-20 बार कहिए, लेकिन दुर्भाग्य देखिए आपका, आप जीत नहीं पा रहे, महसूस कर रहे हैं, दुर्भाग्य है आपका, की बात तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, कांग्रेसी प्रवक्ताओं का संकट ये है कि टीवी पर आकर कोई तथ्य तर्क नहीं, क्यों महसूस करते हैं मुझे नहीं मालूम है। नहीं नहीं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, निजी टिप्पणी, देखिए हम जानते हैं, हम आपका संकट समझ रहे हैं अलका जी,
दाएं बाएं जाके आपको राजनीति करनी है, जीतने का कोई रास्ता नहीं मिलता है, सीधी टिप्पणी पर आपको आंखों में धूल झोंक सकते हैं। मैं कह तो रहा हूँ ना, आप जो करना है करिए, लेकिन जनता इसी तरह के व्यवहार से कांग्रेस को और रसातल में ले जाए, चिंता मत करिए, व्यक्तिगत नहीं होते हैं, इसी तरह से जाएंगे। अलका जी मुद्दे पे आइए, और ये आप मत गलतफहमी रखिए कि आप बोलेंगे तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, घर तक पहुंचा के आऊंगा। इस तरह की टिप्पणी दोबारा करिएगा तो मैं छोड़ने वालों में नहीं हूँ। अलका जी ये तरीका छोड़िए इस बात को, मुद्दे पे जाने वालों का बातचीत में कोई फायदा नहीं है। अगर तथ्य तर्क पर आपको जवाब देना नहीं आता है तो चलिए ठीक है, छोड़िए इस चीज को, अब आगे बढ़ते हैं। हम व्यक्तिगत नहीं होंगे पारे के प्रति, मेरी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, अमेठी से राहुल गांधी, ठीक है मैं अभय जी को बहस में ले आता हूं तब तक, ठीक ठीक है। अभय जी एक बात जो थोड़ी देर पहले अलका लांबा जी ने कही कि वायनाड से अगर चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी तो हिम्मत दिखा रहे हैं, उनकी मजबूरी नहीं है, क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? उत्तर प्रदेश जो कि कांग्रेस के गढ़ के तौर पर रहा और खास तौर पर अमेठी वगैरह की अगर बात की जाए, वहां से इस तरीके से चले जाना क्या हिम्मत दिखा रहे हैं राहुल गांधी? अखिलेश जी किससे पूछ रहे हैं आप सवाल? अभय जी से सवाल है, अभय जी से। अच्छा मुझसे पूछ रहे हैं, अच्छा मुझे लगा कि अलका जी से पूछ रहे हैं। नहीं अभय जी, देखिए मेरा मानना यह है कि राहुल जी वायनाड से चुनाव लड़ना चाहें तो जरूर लड़े, मैं उससे इनकार, लोग बहुत से बड़े नेता दो दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ते हैं, मेरे मुझे यहाँ तक याद पड़ता है कि नरेंद्र मोदी भी गुजरात से चुनाव लड़े थे और उत्तर प्रदेश से भी चुनाव लड़े थे, फिर बाद में उन्होंने गुजरात सीट से इस्तीफा दे दिया था, तो ऐसा लोग करते हैं, वो अपने आप में कोई गलत बात नहीं है। मेरा कहना यह है कि राहुल गांधी को चाहिए कि वो अमेठी से भी चुनाव लड़ें और अपनी सीट को दोबारा हासिल करें जो सीट स्मृति ईरानी ने उनसे छीन ली है, ये ऐसा करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो ऐसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे अलग सवाल है, लेकिन अगर वो उत्तर प्रदेश में जाकर ऐसा कर पाए तो उससे कांग्रेस की किस्मत को बहुत बड़ा उछाल मिलेगा। अलका लांबा जी आप लोग कहेंगे अपने नेता से कि आप लड़िए यहां से भी, हिम्मत सिर्फ वायनाड में मत दिखाइए अमेठी में भी। अखिलेश जी अबे दुबे जी और देश को यकीन दिला रही हूं, राहुल गांधी जी नहीं, राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने जिसे वहां भेजा वो स्मृति ईरानी को हराएगा, मैं कह रही हूं उनको जाने की जरूरत नहीं, जिसको भेजेंगे अमेठी से स्मृति ईरानी भाजपा हारेगी, लिख कर ले लीजिएगा, हमारे भी सारे सर्वे हैं, आप भी सर्वे करा लीजिएगा, वहां से वो भागकर दिल्ली आने की फिराक में है, ये आज लिख लीजिएगा, खड़ी रहे वहीं पर, कांग्रेस ने जिसको भेजा वो हराएगा। जिसको क्यों भेजेगा, राहुल गांधी आपके सबसे बड़े नेता वहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, सरकार डबल इंजन, बार बार जिसको वाली बात क्यों आ जा रही है? ठीक है जबरदस्त गांधी जल्दी से, छोटे में 20 सेकंड में, समय नहीं है, मैं कह रही हूँ राहुल गांधी जी ने जिस पे हाथ रख दिया, ठीक है ठीक है, किसी और पे क्यों हाथ रखेंगे, खुद पर ही हाथ रख के चुनाव लड़ जाए ना वहाँ से, ठीक है जफर इस्लाम जी जल्दी से, समय नहीं है। देखिए अलका लांबा जी को ये सोचना चाहिए कि दूसरे पे हाथ रखने के बजाय अपने दिल पे हाथ रखिए, और अपना दिल कहता है कि वहां से लड़िए तो लड़िए, और डर लगता है तो भाग जाइए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News आपको रखे आगे।